नमस्कार, लक्षांश कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब सेक्शन पर मैं भूमेंद्र कुमार देवांगन आपका फिर से लंबे समय के बाद स्वागत करता हूं। और आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि जो छत्तीसगढ़ विधानसभा में सहायक ग्रेड 3 के सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जो जारी किया गया था, वो जो लगभग 20 मार्च के आसपास किया गया था, तो फॉर्म भरने की जो तिथि थी वो 20 मार्च से 31 मार्च तक थी। और उसके बाद यहाँ पर जो डेट आया हुआ था, एडमिट कार्ड भी आ गया था, और उसके बाद इस पर रोक लगा दिया गया था, बीच में रोक दिया गया था। अब इसमें फिर से जो है संशोधन करके तिथि जो है लागू किया गया है, जो आज 23 अक्टूबर से स्टार्ट होकर ये जो है 6 नवंबर तक होगा। जो लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो फिर से फॉर्म भर सकते हैं, तो फिर से इसको रिलीज़ किया गया। साथ ही पहले पद शायद 48 पद था और अब एक पद को घटाकर टोटल 47 पद कर दिया गया है। इस सीजी विधानसभा जो साइट है उसमें हम देख लेते हैं, यहाँ से किसी गूगल के माध्यम से सीजी विधानसभा आपको लिखना है और सर्च कर देना है। उसके बाद टॉप में सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट आता है जिससे आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर ब्लू कलर में हाइलाइटेड सीधी भर्ती रिक्रूटमेंट को टच करेंगे तो आपको जितने भी भर्ती से रिलेटेड हैं वो आ गए हैं। देखिए, ऊपर वाले कॉलम में लिखा हुआ है कि सहायक ग्रेड 3 के पद पर सीधी भर्ती से नियुक्ति हेतु विज्ञापन। संशोधित विज्ञापन आज दिनांक 23 अक्टूबर को जो है डाला गया है। इसका आवेदन प्रारंभ आज ही 23 अक्टूबर से हो रहा है और अंतिम तिथि 6 नवंबर तक है। ऑनलाइन आवेदन के संबंध में आवश्यक बिंदु जो पॉइंट्स हैं वो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, तो हम डाउनलोड करके देख लेते हैं क्या क्या बताया गया है। यहाँ पर कुछ जो है निर्देश आपको दिए गए हैं, महत्वपूर्ण बिंदु जो आवेदन को ऑनलाइन करने वाले हैं। तो इससे पहले मैं कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बता दूँ कि पहले जो विज्ञप्ति लाया गया था उसको बाद में संशोधित करके अभी जो है आपको फिर से नया जो है रिक्रूटमेंट को जारी किया गया और एक पद जो है काट दिया गया है, 47 हो गया है। और अभी 6 नवंबर तक लास्ट डेट है, ये सब कंफर्म क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे इसके पूरे जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, डिटेल नोटिफिकेशन, उसके बारे में क्या बोला है। जो नए लोग जो फॉर्म भरने वाले हैं उन लोगों के लिए मैं पूरा डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप इस वीडियो के माध्यम से इस वीडियो को पूरा देखकर ये जान सकते हैं कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, कोई कंप्यूटर डिप्लोमा जो है वो काम आएगा या नहीं आएगा, क्या किसी का सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है, किस चीज़ का नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सब चीज़ें जो हैं हम इसमें बात करने वाले हैं, पूरा डिस्कशन तो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपको पूरा डिटेल एक ही वीडियो में मैं बता रहा हूँ, तो आप अंत तक बने रहिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आपको नए नए वीडियो जो है मिलते रहें। साथ ही आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जो है बहुत सारे आप जो है संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो आप देख सकते हैं। इस महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में आपको बताएं तो आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। अगर आप कहीं बाहर के हैं, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आपका नहीं बना है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, अन्यथा बाद में कैंसिल हो जाएगा। दूसरा, ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व आवेदक संपूर्ण विज्ञापन नियमों का अवलोकन कर लें और खुद ही सुनिश्चित करें कि सम्मिलित होने की पात्रता उसकी है या नहीं। और जो है थर्ड पॉइंट लिखा है कि ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व में जारी विज्ञापन के परिप्रेक्ष्य में आवेदन कर चुके हैं उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, उनके द्वारा पूर्व में भरे हुए ऑनलाइन आवेदन मान्य होंगे। तो जब पहली बार नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो उसमें जिन जिन लोगों ने फॉर्म भर लिया था उन लोगों को पुनः डबल से भरने की आवश्यकता नहीं है। चौथा पॉइंट बोलता है कि रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आपको करना होगा और रजिस्ट्रेशन के पश्चात आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड का यूज़ करके लॉगिन करना होगा और फॉर्म को आपको भरना होगा। जैसे रजिस्ट्रेशन किया हुआ है कि पूर्व प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में अपना रजिस्ट्रेशन बस किया था और आवेदन नहीं किया है तो पंजीकृत मोबाइल नंबर और पासवर्ड का लॉगिन करके आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। पांचवा पॉइंट ये बोलता है कि आप सुनिश्चित कर लें कि आपके द्वारा दी गई जानकारी सही है और जमा होने के बाद कोई भी एडिटिंग नहीं किया जाएगा। छठवां पॉइंट ये बोलता है कि आपको एक प्रिंटआउट जो है ऑनलाइन जब आप करेंगे उस फॉर्म का एक प्रिंटआउट आपको सुरक्षित रखना है।
सातवां बोलता है कि जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और वो पासवर्ड है उसको भी आपको सुरक्षित रखना है, ताकि उसी से आप जो है लॉगिन करें और आपको उससे फॉर्म भर सकें और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकें। ये हो गया ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। यहाँ पर ये न्यू करके जो लिखा है यहाँ पर आप टच करेंगे तो यहाँ पर से जाएंगे, यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्टर बटन को यहाँ से क्लिक करके जो भी डेटा मांगेगा वो डाल के आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर, फिर आपका यहाँ पर पासवर्ड और यहाँ पर जो मेंशन टेक्स्ट है नीचे में उसको लिख कर सबमिट करेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे और उसके बाद फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म कैसे फिल करना है वो हम आगे देखेंगे। साथ ही यहाँ पर एक लाइन और लिख रहा है, देखो ऐसे अभ्यर्थी जो सचिवालय द्वारा पूर्व में जारी विज्ञापन के परिप्रेक्ष्य में आवेदन कर चुके हैं उन्हें पुनः ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, उनके द्वारा पूर्व में भरे हुए ऑनलाइन आवेदन ही मान्य होंगे। तो आपको डबल से भरने की आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए, आपने जो फॉर्म भरा था वही आपके लिए मान्य होगा। तो ये था नोटिफिकेशन जो डाउनलोड किया नोटिफिकेशन जो इसमें आया हुआ है, ऑनलाइन आपको वहीं से जाके फॉर्म भरना है, पहले रजिस्ट्रेशन फिर आपको लॉगिन उसके बाद फॉर्म भराएगा। ये सब क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं कि इसके नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है, कौन कौन से पद किस किस के लिए कैटेगरी के लिए हैं देखते हैं। ये देखिए छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय 22 अक्टूबर को ये जो है जारी किया गया है जिसको 23 को अपलोड कर दिया गया है। तो देखिए इसके बारे में आपको शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि लगभग ये 11 पेज का है, मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को मैं बताते जा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया गया है कि वेबसाइट, इस वेबसाइट देख रहे हैं आप www.cgvidhansabha.gov.in, यहाँ पर आपको जाके ऑनलाइन करना है। सहायक ग्रेड 3 टोटल जो है 47 पद, पहले 48 थे अभी 47 कर दिया है। पे ग्रेड देख लेंगे तो 19,500 से 62,000 है, लेवल 4 है इसका। और यहाँ पर देखें वर्गवार संख्या तो अनारक्षित के लिए 18, अनुसूचित जनजाति के लिए 16 और अनुसूचित जाति के लिए 7 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6 हैं, और इसके लिए अलग अलग जो है पॉइंट्स जो है अलग अलग कर दिया गया है। यहाँ पर टिप में ये बोलता है पदों की संख्या परिवर्तनीय है और ये जो है सचिवालय के नियम के अनुसार है, और भी जो डिटेल दिए हुए हैं उसमें जो है स्थानीय निवासी जो है मूल निवासी होना जरूरी है, मूल निवासी के साथ साथ अगर दिव्यांग है तो उससे रिलेटेड जो है आपको कीवर्ड दिए गए हैं ये होंगे मान्य करके। उसके बाद जो है 6 नंबर भी इम्पोर्टेंट है, देखेंगे आप थोड़ा जूम करके इसलिए दिखा रहा हूँ, कंप्यूटर पर हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी टंकण कार्य में दक्ष एवं अनुभवी अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद आरक्षण तो 4, 5, 6 नियम के अनुसार आपको बता दिया गया है। पद का विवरण सहायक ग्रेड 3 है, पद का नाम तृतीय श्रेणी में आता है ये, और इसका पे जो है वेतन दिया हुआ है, और परीक्षा विक्षा अवधि 2 वर्ष की रहेगी। शैक्षणिक अर्हता है 10 10+2 12वीं पास होना चाहिए, पुरानी हायर सेकेंडरी होगी तो 11वीं स्नातक तक। और दूसरा पॉइंट जरूरी जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष डिप्लोमा ITI से भी आप ले जो किया होगा वो भी मान्य है, राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय से किया होगा वो भी मान्य है। सब तरीके से यहाँ पर आप पढ़ लेंगे तो यहाँ पर कम से कम 1 साल का होना जरूरी है। PGDCA DCA किसी भी यूनिवर्सिटी से जो मान्यता प्राप्त हो वो भी कर सकते हैं। कंप्यूटर में हिंदी टाइप का जो है आपको लेखन 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे होना चाहिए। कौशल परीक्षा होगी इसकी, निर्धारित आयु सीमा जो है 1/1/2019 में 18 से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। छूट की पात्रता अलग अलग दी गई है, इस डिटेल को आप पढ़िएगा। इसके बाद हम बात करें आगे, आपको जो पांचवा पॉइंट है ये बोलता है कि जो भी डिटेल विज्ञापन में आपको शैक्षणिक अर्हताएँ दी गई हैं उसी के हिसाब से आपको जो है लगता है कि हम हाँ एलिजिबल हैं तभी आप फॉर्म को फिल करें, गलत सूचना देने पर आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। ये बोला गया है वांछित दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना, तो जब आप कौशल परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे और जिनका चयन जो हो जाएगा तो मेरिट आधार पर एक लिस्ट तैयार होगी जिसमें आपको प्रमाण पत्र और अंक सूची वगैरह स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो क्या क्या करना होगा, आयु संबंधी के लिए आप दे सकते हैं हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी है ना, दूसरा जो है शैक्षणिक योग्यता से जितने भी आपने पढ़ाई की है उतना पूरा, और यहाँ पर पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं का प्रमाण पत्र स्नातक है या फिर जो भी संबंधित पद है उससे लेते रिलेटेड जो है सब प्रमाणित प्रतिलिपियाँ। जाति प्रमाण पत्र आपको देना है, आप SC ST जो है OBC से हैं तो,
ये सब आपको देना है। नियोक्ता का नापत्ति प्रमाण पत्र, अगर आप कहीं पर वर्क कर रहे हैं शासकीय निगम मंडल विभाग में तो आपको अनापत्ति प्रमाण पत्र देना है। आपराधिक अभियोजन किसी का नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार के दोषी ठहराए हुए नहीं होना चाहिए, अनर्हता नहीं होना चाहिए। जैसे बोल रहा है कि कोई भी जो पुरुष अभ्यर्थी है जो उसका एक से अधिक पत्नी जीवित हो, और कोई भी महिला अभ्यर्थी जैसे व्यक्ति ने विवाह किया हो और जिसकी पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, ऐसे जो है इसका पात्र नहीं होगा। और जैसे कि ये बोल रहा है कि इसमें कि स्वास्थ्य परीक्षा में अगर आप अस्वस्थ पाए जाते हैं तो भी आपको नहीं लिया जाएगा, ऐसे सब कुछ डिटेल्स इसमें दिए गए हैं। चयन प्रक्रिया में यह है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद कौशल परीक्षा, उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगा। ऑनलाइन आवेदन करेंगे आप तो 200 रुपये दिव्यांगों के लिए है और निःशक्तजनों के लिए, और 250 रुपये अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, साथ ही 350 रुपये अनारक्षित के लिए। यात्रा व्यय का भुगतान, जैसे CSPDCL में आपको जो है यात्रा व्यय का भुगतान किया था नॉर्मल कैटेगरी का, वैसे ही इसमें भी देने वाला है। अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं जो किसी सेवा में नहीं रहेगा, तो आप अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं, तो आपको साधारण दर्जे का जो वास्तविक टिकट का किराया राशि जो है नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केंद्र पर मिलेगा, और इसके लिए आपको घोषणा पत्र भरकर देना होगा, और उससे फिर जितना भी उसका अमाउंट होगा वो आपको दिया जाएगा, और आपको घोषणा पत्र के साथ जो है टिकट का स्वप्रमाणित प्रतिलिपि जमा करना होगा, और साथ ही जो है जाति प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा, तो फोटो कापी आप रख के जाइएगा। फिर कौशल परीक्षा के लिए जो है आपको फिर से अगर जाना पड़ गया कहीं बाहर, अगर आपको दिया तो साधारण दर्जे का वास्तविक टिकट किराया भी इसके लिए देगा। तो ये सब जो है आपको सुविधा प्रदान की जा रही है। साथ ही इसके आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पर पाठ्यक्रम का ये चयन के बारे में, तो जो है 50 अंक का वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगा जो कि ऑनलाइन होगा, जिसमें दो चीज़ें पूछेंगे। पहला भाग में होगा सामान्य ज्ञान छत्तीसगढ़ का और दूसरा कंप्यूटर। उसके बाद कौशल परीक्षा 50 अंक का होगा, दोनों में जितना भी अंक आएगा उसके हिसाब से 15 गुना जो है सिलेक्शन होगा कैंडिडेट्स के। उसके बाद दोनों के आधार पर जो टोटल मार्क्स मिलेंगे उसके हिसाब से मेरिट होगी, मेरिट के बेस पर फिर आपका चयन किया जाएगा। ऑनलाइन वस्तुनिष्ठ परीक्षा में वही 4 प्रश्न रहेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न, एक आंसर सही रहेगा, ये सब डिटेल दिया है। परिशिष्ट 2 में आपको डिटेल दिया है आपका सिलेबस का, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान में आप देख सकते हैं ऊपर 8 पॉइंट में दिखाया गया है, इसके बाद इंग्लिश में भी दे दिया गया है, फिर दूसरा पार्ट कंप्यूटर ज्ञान का रहेगा, ऐसा रहेगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको क्या क्या जो है जानकारियां और निर्देश हैं वो इस परिशिष्ट 3 में दिया गया है। सबसे पहले लॉगिन करना है, और उसके बाद आपको पेमेंट जो है डेबिट क्रेडिट कार्ड इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। फ़ोटो लेंगे, वो फ़ोटो में आपको जो है हल्का सफ़ेद रंग का बैकग्राउंड होना चाहिए। 3 पासपोर्ट फ़ोटो जो उसमें डालने वाले हैं उसका जो है आपके पास सेफ रखना चाहिए। ऑनलाइन प्रिंट होगा उसको प्रिंट करके रखना ज़रूरी है, बाद में काम आएगा। सबमिट करेंगे तो बहुत ध्यानपूर्वक करेंगे, जो भी डिटेल है फिर बाद में जो है एडिट नहीं होगा। हस्ताक्षर, फोटोग्राफ, ये सब प्रविष्टियां बहुत सावधानीपूर्वक डालना है, ये सब दिया हुआ है। प्रवेश पत्र 10 दिन पूर्व आएगा, पर्टिकुलर नहीं भेजा जाएगा, वेबसाइट पर आएगा, ये सब पूरे डिटेल्स इसमें दिए गए हैं, तो ये आप जाकर जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये था डिटेल्स पूरा वीडियो, अब थोड़ा सा वीडियो ये थोड़ा लंबा भी हो गया है, लेकिन आपको पूरा डिटेल इसमें दे दिया गया है, थोड़ा बहुत बस पढ़ना पड़ेगा। कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सभी लोगों तक पहुंचाएं, जो फॉर्म भरने से मिस हो गए थे वो फॉर्म भर सकते हैं, और आपको इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करने के साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज्वाइन करें, और आपको इसी तरीके से नए नए वीडियो और अपडेटेड वीडियो खास तौर पर तो आपको मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लक्षांश कोचिंग क्लासेस।